आई एम हम्बल्ड. अगर आप कुछ टीचर्स को इन रिटर्न कुछ वापस दे सकते हैं और पेरेंट्स को, तो उससे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता. टीचर्स का ही इसमें सारा रोल होता है कि वही सब कुछ कॉन्सेप्ट्स तो वही क्लियर करते हैं. स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वापस सुबह उठो, वो रूटीन वापस फॉलो करने के लिए बहुत मतलब अंदर से वो स्ट्रेंथ अपने को स्ट्रांग रखना होता है. आज हम मौजूद है NITN करियर इंस्टीट्यूट में. जैसा कि आप सब जानते ही है कि कल 12वीं जमात के जो है नतीजे सामने आए और लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली. My name is Anusha Gul. I'm from Zukra, Srinagar, and Alhamdulillah, I was able to score 498 in Commerce stream. I am Adiba. I'm from Howell, Srinagar, and I have scored 494. I'm from Medical stream, and I've state rank 1. My name is Benha, and I'm from Hazrat Bal, and I have scored 487 marks with a state rank of 8 in Science stream. My name is Muskan. I am from Malabag. I have scored 486 in Humanities, and my rank is 10th. I am Jannat Afaq from Ilahi Bagh. I have scored 493 marks in Science stream and I am a second ranker. Hello everyone, this is Aisha Riaz Baghdadi. I am from Khania, Srinagar, and I have scored 493 marks in Science stream and I have scored rank 2. Also, I have recently qualified NEET. इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे टॉपर्स से मिले जिन्होंने अपनी अपनी स्ट्रीम में एक्सेल किया है. इसी वजह से मौजूद है NITN's करियर इंस्टीट्यूट में. इंटरेस्ट नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री में, सो आई एक्सप्लोर्ड, आई रिसर्च अबाउट प्रोफेशंस, सो आई केम अक्रॉस CA. सो आई थॉट दैट इज अ वेरी डिमांडिंग एंड रिवॉर्डिंग प्रोफेशन, सो आई थॉट दैट डायरेक्ट माय एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट, सो इसीलिए आई टुक कॉमर्स. साइंस में मेरा इंटरेस्ट था पहले से ही. टफ जो आप कह रहे हैं, टफ चीज़ें नहीं होती, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर चीज़ें आसानी लगती है उसमें. जी एक्चुअली मैंने साइमल्टेनियसली बोथ 11th एंड 12th क्लास में, मुझे पहले ही पता था कि मेरा गोल नीट है, सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट पेड. एक्सपेक्ट तो मैंने किया था अपने हार्डवर्क को देखकर कि अच्छे मार्क्स तो आएंगे, मगर ये सरप्राइज ही था कि सेकंड रैंक हो गई, तो मैं बहुत खुश हूँ. और शौक नहीं, मतलब सरप्राइज, ओवरवेलम फीलिंग है बहुत, तो ओवरजॉयड भी हूँ, तो बहुत अच्छा है. Not interested in that much in science. Mera tha political science thoda sa isme, to that's why maine humanities choose kiya, because ye isme bhi ek bahut bada field hai aapke liye, to like other streams hai, to I choose this stream. There was no something force, ab yahi pakdo nahi, ya as I was, main dull student thi, hai na mera concept, dull students hi humanities pakadte hai, so that was not the case. I was interested in humanities, that's why I choose humanities as my stream. Hamare sath maujood hai Mubashir sahab, jo ki NITN's career institute ke head hain. Hum inse janna chahenge, कैसा लग रहा है आपको इतने सारे रैंक होल्डर्स आपके इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिस अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा आज. बेसिकली देखिए, जब अल्लाह ताला देने पे आते हैं ना, तो वो क्वांटिटी की तरफ नहीं देखते हैं कि मुझे कितना देना है इंसान को. तो इंसान ही जो है ना वो बेसब्रा है, उसको मतलब सब्र नहीं रहता है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस जो ये मेरा जॉय का भी मोमेंट है, मैं कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकूं. आपके पास यहाँ पे देखिए साइंस की जम्मू कश्मीर की रैंक 1, कॉमर्स की रैंक 1, साइंस की रैंक 2, रैंक 2, साइंस की रैंक 8, ह्यूमैनिटीज़ की रैंक 10. तो ये जो ये 1 to 10 होते हैं ना बच्चे, मतलब एज अ टीचर मैं बताऊँगा, आई एम नॉट ओनली हेडिंग द इंस्टीट्यूट, आई एम बेसिकली टीचर माई सेल्फ, आई एम टीचिंग देम केमिस्ट्री ऑल्सो. सो हमें पता होती है जो पहले 20 बच्चे होते हैं ना टॉप 10, टॉप 20, वो सब हमारे लिए रैंक 1 है. क्योंकि वो एक दो मार्क्स का फर्क रहता है, कभी प्रैक्टिकल में किसी का काटा, कभी कुछ ओवर राइटिंग होगी, तो वो लगभग सब सेम है. सो फॉर अस दे आर ऑल सेम. सो व्हाट वॉज योर स्ट्रैटेजी when you were preparing for these exams? So my strategy was simple ki basically jo hamara JK wo uska syllabus hai usko thoroughly study karna hai, smart work karni hai aur extra kuch nahi karna, because jo JK wo se out of syllabus kuch nahi aata, to syllabus ko aise hi revision consistencies ki, to pehle se hi ye nahi ki academic year ke end pe start karna hai, academic year ke pehle se hi start karna hai, dheere dheere wo accumulate hoke at the end you will be able to score good. एक्चुअली क्या होता है कि सिलेबस तो सेम ही है, बस थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होती है दोनों एग्जाम्स की. तो मैंने पहले से ही देखा कि कॉमन क्या है, मतलब कौन सी चीज़ें मुझे किस एग्ज़ाम में क्या फोकस करना है, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. मतलब बोर्ड्स के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, नीट के लिए अलग अप्रोचेस, क्वेश्चन सॉल्विंग, सो आई स्टार्टेड
दैट एंड आई धीरे धीरे मैंने भी सीखा, गलतियाँ भी हुई, बट यहाँ पे जैसे कि अनुषा ने कहा बोर्ड बेस्ड टेस्ट सीरीज थी, मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दिए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. सो आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर एंट्रेंस प्रिपरेशन एंड बिकमिंग अ डॉक्टर इंशाल्लाह. उसके अलावा मतलब कोई बैकअप प्लान? अभी तो कंक्रीट प्लान वैसा नहीं है, लेकिन सिविल सर्विसेज में भी टीम है, टीचर्स जो है दे आर वेरी मच डेडिकेटेड एंड दे आर वेरी मच सिंसियर टू देयर कॉज. हमने इसको एज अ प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन लिया है. फॉर अस दिस इज नॉट जस्ट मतलब आए तो दिया क्लास हो गया, नहीं. हमारा चूंकि क्या रहता है, बच्चे के साथ पूरा वन ऑन वन इंटरेक्शन रहता है, हमें पूरा पता होती है कि बच्चे की अभी की लेवल क्या है और ये किस लेवल तक हम उसको पहुँचा सकते हैं. देखिए अभी आपकी यहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, आयशा ने तो नीट क्वालिफाई किया पहले, अभी तो रिजल्ट भी नहीं था ट्वेल्थ का. जो बाकी बच्चे हैं नीट के, या आप कभी सिविल सर्विस की बात कर रहे हैं, ये सी ए की बात कर रहे हैं, देखिए अभी इनके एग्जाम्स नहीं हुए, बट इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट ईयर आएंगे ना, आपको पता चलेगी कि ये लोग चले गए हैं मेडिकल कॉलेजेस में, ये सी ए कर रही है, वो सिविल सर्विस में आगे चले गए. टीचर्स का ही इसमें सारा रोल होता है कि वही सब कुछ कॉन्सेप्ट्स तो वही क्लियर करते हैं. आप कर सकते हैं कोशिश खुद करने की, लेकिन जब तक आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो, अच्छे टीचर्स नहीं हो, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता. तो डेफिनेटली टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मतलब वट एवर आई हैव अचीव्ड दीज मार्क्स, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई टीचर्स. मतलब तो फैल सर, मतलब इकोनॉमिक्स में ऑल दो आई स्कोर्ड लिटिल बिट लेस मार्क्स इकोनॉमिक्स, बट मतलब मुझे सर्च करने की नहीं कहीं जरूरत पड़ी मटीरियल. जी एम सर और रिहाना मैम, मतलब टीचर्स ने बहुत 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 हेल्प की यहाँ पर. इवन हमारे एग्जाम्स भी हुए, 50% सिलेबस पहले कंडक्ट किया गया, फिर पूरा 100% सिलेबस कंडक्ट किया. तो एग्जामिनेशन से पहले ही मैं पूरी प्रिपेयर थी इन ऑल द सब्जेक्ट्स. बस रिपीट करना था हर दिन, सेम चीज़ ही थी वो. मतलब स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वापस सुबह उठो, वो रूटीन वापस फॉलो करने के लिए बहुत मतलब अंदर से वो स्ट्रेंथ अपने को स्ट्रांग रखना होता है. तो बस वही पाथ मैंने फॉलो किया हर दिन और अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे हो गया. बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज हमने दी यहाँ पे, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई और हमने बहुत सारे मैंने पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस और डेली रिविजन एंड कंसिस्टेंट ब्रेक्स, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. और यहाँ पे डाउट सेशंस भी हमारे होते थे, तो उससे भी डाउट अगर कभी भी आता था टीचर से हम कन्वे कर पाते करते थे, तो वो बहुत उससे हमें बहुत हेल्प होती थी. आई एम नॉट द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई एम अ टीचर ऑफ द इंस्टीट्यूट. सो मुझे पता है किस बच्चे में क्या पोटेंशियल है, कहाँ तक क्या है. तो वो चीज़ है, मैकेनिज्म एक है, एक टीम लगी है पीछे जो इस पर काम करती है. तो कुडोज टू देम ऑल्सो, मैं उनको भी एक कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, जो मेरी टीम है पूरी, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग. हमारे यहाँ पे अंकल जी बैठे हुए, ये सुबह 5 बजे आते हैं इंस्टीट्यूट में, फजर पढ़ के सीधे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में होते, सबसे लास्ट में निकलते हैं. तो इनका भी कंट्रीब्यूशन है, वो जो आंटी सफाई करने आती है उसका भी कंट्रीब्यूशन. मेरे फ्यूचर प्लान्स इस वक्त नीट पे फोकस करना है, उस एग्जाम की प्रिपरेशन अब मैं कर रही हूँ. तो कंसिस्टेंसी के हर दिन प्रिपेयर करना, एग्जामिनेशन वक्त नहीं बट पहले से, जब से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है तब से पढ़ना. सो दैट इज अ सक्सेस, वो अगर कोई कर पाएगा तो वो बहुत अच्छी बात है.